हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम प्लेन कपड़े से डिजाइनर कुर्ती सिलना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले आगे वाले पल्ले को लिया है, इसको हमें एक बराबर रखना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें बी सेंटर पर एक निशान लगाना है। और इस पल्ले की सीधी साइड हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ रखेंगे। और यहाँ पर हमने दूसरे कलर की पट्टी ली है। इस पट्टी की चौड़ाई हमारी 3 इंच है और लंबाई 11 इंच है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी में जो हमारी जो सीधी धारी खींची हुई है, इसको इस तरह से बी सेंटर पर रखेंगे। जो हमारा निशान लगा है उस निशान के ऊपर रखना है, ठीक है। और साइड में फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। नीचे से आपको इस तरह से नुक बना लेनी है, ठीक है। और उसके बाद में दाब सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग करी थी, तो अगर आप लोगों ने कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग ज़रूर देखें। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से प्लेन कपड़े से डिजाइनर कुर्ती बनाई है, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने इस तरह से पट्टी को सिल लिया है। देखिए कितनी सुंदर सी हमारी पट्टी लग रही है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पल्ले की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और इसमें पट्टी सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने और भी पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 2 इंच है। तो इस पट्टी को हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। पूरे गले में हमें इस तरह से पट्टी को सिल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने इस तरह से पट्टी को सिल लिया है। बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे और यहाँ पर हमें इस तरह से गुलाई में कट भी लगा देना है। कट हमें इस तरह के लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। फिर हम यहाँ पर इस गले की पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें दाब सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गले में पट्टी को सिल लिया है। देखिए कितना सुंदर सा हमारा गला बन के आया है। तो अब हम क्या करेंगे, शोल्डर सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखी है और यहाँ पर हमें जो आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने शोल्डर को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर कॉलर सिलेंगे। तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और पीछे की तरफ हमें कट लगाना है। फिर हम यहाँ पर कॉलर की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कॉलर की जो लंबाई है वो 6 इंच है। यहाँ पर हमने कॉलर पट्टी कटिंग करी है, इसकी लंबाई 12 इंच है और चौड़ाई 1.5 इंच है। तो इसको हम यहाँ पर कपड़े के ऊपर रखेंगे और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है, इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमें कपड़े को सीधा कर देना है, ऊपर से सिलाई लगानी है, ठीक है।
यहाँ पर हमें थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देना है। और इसको सीधा करने के बाद हम इसमें दाब सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कॉलर को सिल लिया है। इसको बीच सेंटर से फोल्ड करेंगे और कट लगाएंगे। तो हमने कट लगा दिया है। अब हम इसको सूट में सिलेंगे। तो सूट को हमें उल्टा रखना है तरह से, और जो हमारा कॉलर है इसको सीधा रखेंगे। यहाँ पर हमें दोनों कट को मिलाना है, ठीक है, इस तरह से, और सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर आधी साइड में कॉलर को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आधी साइड में कॉलर को सिल लिया है। इसमें हमें सिलाई को निकालना नहीं है, ठीक है। सूट को घुमाकर हमें दूसरी तरफ भी कॉलर को सिल लेना है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमने सिलाई लगाई थी उसको हमें अंदर की तरफ कर देना है, और इसमें दाब सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने दाब सिलाई को भी लगा लिया है। जो हमारी बड़ी सिलाई है उसको निकाल देंगे। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, सूट की फिटिंग कर लेते हैं। जहाँ पर हमारा कट लगा है वहीं तक हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। और सिलाई यहाँ पर हम डबल लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से सूट की फिटिंग कर ली है। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर ली है, और साइड में हमने तरह से कट भी लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले में दूसरे कलर की पट्टी लगाएंगे। तो पल्ले को हमें उल्टा रखना है, और यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से पट्टी को लिया है। इस पट्टी की चौड़ाई हमारी 3 इंच है, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ पर रखना है और सिलाई लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें दाब सिलाई लगा लेते हैं। और दाब सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है, और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने इस तरह से आगे वाले पल्ले में पट्टी को सिल लिया है। देखिए कितनी सुंदर हमारी पट्टी लग रही है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को इस तरह से बराबर करेंगे, और जितना हमारा कपड़ा ज़्यादा है तो उसको हमें फोल्ड करना है इस तरह से नाप के, ठीक है। और फोल्ड करके हमें बड़ी सिलाई लगानी है, क्योंकि पीछे की तरफ हम इसमें तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने इस तरह से सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर चाक सिलेंगे। तो कपड़े को पहले एक बार फोल्ड करना है, फिर दोबारा से फोल्ड करेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई यहाँ पर बड़ी लगानी है, क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है।
तो हमने एक साइड में चाकू सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी चाकू सिलेंगे, फोल्ड करके इस तरह से सिल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी चाकू सिल लिया है और नीचे से भी हमने पट्टी लगा ली है और इस साइड में भी हमारे चाक सिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को लिया है, बाजू की जो सीधी साइड है वो हमने नीचे की तरफ रखी है और इसके ऊपर हम यहाँ पर पट्टी को रखेंगे। यहाँ पर हमने दूसरे कलर की पट्टी ली है तो इसको इस तरह से रखे सिलाई लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और एक बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने तरह से बाजू में पट्टी को सिल लिया है और यहाँ पर हमने सूट को लिया है। सूट में हमने थोड़ी सी सिलाई उधेड़ दी है बाजू सिलने के लिए। यहाँ पर हमने जो बाजू में कट लगाया है उस कट को हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नापेंगे। और यहाँ पर हमारा जो साइड में कट है वो हमारा कट आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है, इसमें हमें डबल सिलाई लगानी है और डबल सिलाई लगाने के बाद हम बाजू की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो मोहरी है 5 इंच की, तो उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। सिलाई यहाँ पर हम डबल लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। तो इस तरह से हमारा प्लेन कपड़े से डिजाइनर सूट सिलकर तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो इसी तरीके से आप भी सूट को सिल सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।